ऑल राइट गाइज, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू व्यूअर्स। आज मैं आपको ये जो 32x40 कुछ है प्लॉट का साइज़, उसका वॉक थ्रू दिखाना चाहता हूँ। वीडियो को आप देखिएगा शुरू से अंत तक। एंड इसमें देखिएगा, ये वैसा नॉर्थ फेसिंग है एंड यहाँ पे भी रोड है, बट शायद प्लॉट बनाए शायद कुछ, बिकॉज यहाँ पे डेड एंड है। ओके, फिर यहाँ से एंट्रेंस, वो वहाँ पे एक शॉप एंड इधर जो है 2 BHK का पोर्शन। ओके, लेट अस सी। ब्रिक वर्क नीट आया है, एकदम वर्क भी नीट सही तरीके से आया। सो मैं कुछ ब्रीफली आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। एक चीज़ लोग क्या करते हैं, कॉलम को तोड़ते हैं। यार क्यों ऐसा करते हैं समझ में नहीं आता। कॉलम को कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना। ये देखो, आप लोग इसको डिस्टर्ब करने से मतलब क्या हुआ, आप कॉलम सब डाल के इतना मजबूती करने के बाद। यहाँ पे भी तोड़े गया, हो सका तो ऊपर दिखे तो कुछ भी नहीं होता, वो कलरिंग या फिर प्लास्टरिंग में आप उसको कवर कर सकते हैं। बट कॉलम को इतना ज़्यादा तोड़े तो यही आपका मेन इंपॉर्टेंट चीज़ रहता, इसको आप अवॉइड कर दीजिए। हो सका तो कॉलम के ऊपर से लीजिए, या फिर जब भी आप कॉलम डालते हैं ना उसी वक्त यहाँ पर छोड़ना, ठीक है दोस्तों। एंड यहाँ पर ये रोड, वहाँ पे एक शॉप है बाहर की तरफ, एक कार पार्किंग। फ्यूचर में देखो, रोड नहीं है ना तो कैसे भी हाइट होता बोल के थोड़ा ज़्यादा लिया हुआ है, बस इतना ही। एंड यहाँ पे ये वेल नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पर, और यहाँ से एंट्रेंस दिया हुआ। ये कॉलम यहाँ पे, उधर एक कॉलम, इधर थोड़ा सा जगह एक्स्ट्रा दिया गया, बिकॉज फ्यूचर में आप चाहे तो उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। सो प्रेजेंट जो है नॉर्मल ब्रिक वर्क किया गया। एंड ये सेपरेट टैंक, और साउथ ईस्ट कॉर्नर की तरफ स्टेरकेस और सेपरेट टैंक। एंड और एक चीज़, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना दोस्तों, जैसा देखिएगा आपका लिंटल लेवल रहता, लिंटल लेवल से भी ये जो रहता है ये कम नीचे आता है, करीब 1.5 फीट ऐसा कुछ कम आता है। सेम उसी तरह से यहाँ पे भी प्लिंथ बीम रहता है, उससे भी ये कम आता, कम हाइट पे लेना चाहिए। ओके, इधर ये जो गैप रखा गया यहाँ पर, तो इस गैप को आप फ्यूचर में थोड़ा सा दिक्कत होता है, बट इसको आप बाद में कवर कर सकते हैं। फर्स्ट फ्लोर का जो स्लैब रहता है ना उसमें आप कवरिंग कर सकते हैं। एंड काफ़ी सफिशियंट आया हुआ है स्टेयर्स भी, बिकॉज इधर भी रेलिंग आता है, इस तरफ भी रेलिंग आता है। ये विंडो, अभी हम घर के अंदर एंटर करते हैं तो अप्रोक्सीमेट अब तक बोले तो भी करीब करीब 10 से 12 लाख रुपये खर्चा हुआ होगा। एंड मेन डोर, हॉल मीडियम साइज हॉल, ज़्यादा बड़ा नहीं छोटा नहीं, 12x14 फुट का है। और रूम हाइट 11 फीट लिया गया, ताकि फॉल सीलिंग आप बनाए समझो तो कोई दिक्कत ना आ सके। दिक्कत मतलब वही आपको सिर को लगे जैसे नहीं लगना समझो, उसकी वजह से बनाया गया। एंड वर्क भी बहुत नीट हो चुका है। इसका मार्कआउट मैं लास्ट ईयर दिया था, यही महीने में शायद। इधर एक बेडरूम, यहाँ पे एक बेडरूम है, मतलब इस बेडरूम को क्या है उन्होंने शॉप बनाया समझो। और इधर किचन डाइनिंग एरिया, ये किचन, और एलिवेशन टाइल्स आते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे एक बाथरूम, बच्चा खुश हो गया साइकिल देख के। यहाँ से एक बेडरूम, और इधर शेल्व्स बनाए। बेडरूम रहा तो दो दो एंट्रेंस देने का जरूरत भी नहीं है समझो। एंड ये बाथरूम, ऊपर स्टोरेज के लिए भी जगह।
दादा, और सामने की तरफ गुजर हूँ यहाँ पे। टाइल्स के हिसाब से बनाए गए यहाँ पे। फिर इसके बाद एक शॉप है, समझो। शॉप पहला आइडिया नहीं था शॉप बनाने का, बट इन्हों बाद में सोचे शॉप बनाना बोल के। नहीं तो वो बीम जो है ना, हम नीचे ले सकते थे, वो एक प्रॉब्लम, बाकी का सब ठीक ठाक है। इस तरह से एक काम हो चुका है अब तक। इसके अंदर जो है टोटल 12 नंबर ऑफ कॉलम्स। मैं आपको स्टेयरकेस के ऊपर भी लेके जाऊंगा, लेट अस सी। बारह एम एम का 6 रॉड इस्तेमाल किया गया।